वैसे तो परमाणु हथियारों की होड़ और उसके इस्तेमाल को लेकर हमेशा ही चर्चा रही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान इसके इस्तेमाल को लेकर नया खतरा सामने है। खासकर टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दावे किए जा रहे हैं। रूस की तरफ दुनिया उंगली उठा रही है। अब सवाल उठता है कि टैक्टिकल परमाणु हथियार आखिर है क्या, जिसको लेकर दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल टैक्टिकल परमाणु हथियार अक्सर आकार, रेंज और खास टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार ऐसे वेपन्स हैं जो परमाणु बम तो हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम होती है और धमाके के दौरान कम एनर्जी निकलती है। किसी खास इलाके और टारगेट को वो तबाह करते हैं। टैक्टिकल हथियार अक्सर मिसाइलों में लगाए जाते हैं, या फिर विमान से गिराए जाते हैं, या तोप के गोले से दागे जाते हैं। हजारों किलोमीटर और महासागरों के पार जाकर वार करने वाली अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इसकी रेंज बहुत कम होती है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इन छोटे परमाणु हथियारों की बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिका समेत यूरोप के देशों को लगता है कि रूस इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि पश्चिम देशों को भी लगता है कि रूस यूक्रेन में हताशा की वजह से बौखलाकर इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की तरफ से भी परमाणु हथियारों को लेकर धमकी आती रही है। अगर रशिया और यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ तो ये वॉर पूरी दुनिया को 100 साल पीछे ढकेल देगा, तो उस लिहाज से पूरी दुनिया काफी रिस्की एंड पर खड़ी है। खैर, रूस और यूक्रेन की जंग में आगे क्या होगा, इस सब को लेकर अभी हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए ABP Live।